सास बहू और फ्लेमिंगो, नाम काफी अनयूजुअल लग रहा है, क्या स्टोरी है इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? अंगिरा वणगो तो सास बहू और फ्लेमिंगो वाज इनिशियली नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड सास बहू और फ्लेमिंगो, इट हैड अ डिफरेंट टाइटल, बट वी हैव द मेकर्स एंड द क्रिएटर्स एंड द प्लेटफॉर्म हैज टेकन द बेस्ट डिसीजन ऑफ नाउ चेंजिंग इट टू सास बहू एंड फ्लेमिंगो. एंड मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, बहुत लोगों में इंट्रीग पैदा कर रहा है. स्टोरी जैसे कि आपने देखा टीजर में वैसे नहीं है, मतलब पूरी वैसी नहीं है. देयर्स अ लॉट ऑफ क्लिफहैंगर्स, देयर्स अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन इट. इट्स देयर्स अ लॉट इन इट. देयर्स एक्शन, देयर इज थ्रिलर, देयर इज ड्रामा. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली, जैसे कि सब रिलेट करते हैं, सबकी फैमिलीज, यू नो, लोग सारे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते. देर आर लॉट ऑफ इन बिटवीन्स, देर आर लॉट ऑफ ग्रे शेड्स इन एवरी रिलेशनशिप. सो वो एक्सप्लोर किया गया है सास बहू और फ्लेमिंगो में. इट्स अ बिग बिजनेस ऑफ 500 करोर. That is being run by Ameshya, which is Rani Ba, which is our very own Dimple Kapadia ji. And the story is for people to actually experience it as much as we can say. I think it's a very experiential subject. It's a very experiential story for people to relate to. Okay. आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्टोरी है, आपके हिसाब से क्या स्टोरी है ये? सर, स्टोरी तो वही है जो अंगिरा ने बताया. अगर मैं उसको थोड़े अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की कोशिश करूं, क्योंकि ये कहानी वैसी है कि हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू इस कहानी को लेके, हर किरदार यहाँ पे एक अपना पक्ष लेके कहानी में आता है. तो अगर मैं हरीश के पक्ष से कहानी बताऊं, जो बड़ा बेटा है, जो सावित्री डिम्पल जी का बड़ा बेटा प्ले कर रहा हूँ मैं, तो उसका परिवार बहुत ही एक सामान्य परिवार है. वो US में रहता है, लेकिन जब वो इस छुट्टियों में जन्माष्टमी की अपने घर आता है, उसको पता लगता है उसका परिवार एक सामान्य परिवार नहीं. उसकी माँ एक जड़ी बूटी का काम नहीं करती है, वो एक बहुत ही बड़ा कार्टेल रन करती है और उसका पूरा दुनिया हिल जाती है. हालांकि वो उन्हीं चीजों का सेवन करता है जो शायद उसकी माँ बनाती है, तो उसके लिए तो लगता है कि सोने की खान में बैठा है. बट अगेन, जैसे चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं. जैसी रिलेशनशिप आपको सब किरदारों के आपस में दिखेगी ऊपरी तौर पे, असल में कुछ और ही होती है. मतलब जैसे किरदार सारे आपको शुरू में नजर आएंगे, पर होते कुछ और हैं. सो एक पूरा डिसफंक्शनल फैमिली का स्टोरी है, एंड काफी ही फन और रोमांचक कहानियां और किरदार मिलेंगे आपको इसके. ईशा जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में क्या है एग्जैक्टली? आई थिंक जैसे बिजली का नाम है, काफी कड़कती गरजती बरसती बरसती एक बिजली, बहुत ही कैलकुलेटेड औरत है, चार कदम आगे है सबसे, जानती है कब क्या बोलना है, किसे चुप कराना है. खजांची है इस पूरे कार्टल की, और भी बहुत चीजें देखती है. पति से उसकी बनती नहीं, बहुत प्यार करती है पति से, बेशुमार प्यार करती है वो, ऐसा पति को लगता है. और सीक्रेट्स है बिजली के अपने खुद के, ऐसे हाँ बस ऐसे ही कुछ. रानीबा की दुनिया में रानीबा ने उसे चुना है अपने इस प्यारे सपुत्र के लिए. तो ऐसे टाइप का कुछ इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है. आपका कैरेक्टर जो हम देख रहे थे, आपने इससे पहले जो वेब सीरीज की थी पंकज त्रिपाठी के साथ और देवेंदु के साथ, तो मतलब कि वो काफी जो है अलग कैरेक्टर था आपका, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जो आपने पूरे मुन्ना भैया को पूरा चेंज कर दिया था आपने उसमें. बट इसमें कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका जी? टीजर से आइडिया लग जाना चाहिए, मैं कट्टे लेकर बैठी हूँ यहाँ. यहाँ पर ही है बिल्कुल. और तो ये बिल्कुल ये खौफ नहीं है इन औरतों को किसी भी चीज का. ये काफी अपने डिसीजंस खुद लेती है, चॉइसेस खुद मेक करती है. फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग औरतें हैं,
जैसे होती हैं गांव में, जैसी औरतें मिलती हैं आपको, ये वैसी औरतें हैं, उस किस्म की औरतें हैं। तो ये भी काफी धमाकेदार कैरेक्टर है। आप सबसे जानना चाहेंगे कि डिंपल कपाड़िया के साथ काम करते हुए के एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? मतलब वो तो हमको पता है कि पूरे एक्टिंग की इंस्टीट्यूशन है वो, बट फिर भी आप लोग का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, आप सबसे जानना चाहेंगे। मेरे आपसे सबसे पहले ईशा जी। ईशा जी आप बताइए। जी मुझे बहुत मजा आया डिपल जी के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया। मैं उनके साथ ऑफसेट भी काफी सारे मंदिर वंदिर गए हम साथ में, खाना खाया बहुत जगहों पे, कचौड़ियाँ खाई, समोसे, राजस्थान का बहुत बढ़िया, शर्मा जी की चाय, बहुत मस्ती की हमने एक्चुअली ऑफसेट भी। एंड मुझे बहुत सारी कहानियां उनकी पर्सनल लाइफ से कुछ कुछ थोड़े बहुत एनेक्डोट्स मिले सुनने को, तो मजा आया ये सब सुन के। डिम्पल जी टू नो हर एज अ पर्सन, ऑफकोर्स हम एक स्टार को देखते हैं एंड हम बहुत टाइम से काम कर रही है, लेजेंड है, बहुत ब्यूटीफुल एक्टर है, आई थिंक बहुत इंस्टिंक्टिव एक्टर है, एंड इतने सालों बाद भी इतना स्पॉन्टेनियस, इतना इंस्टिंक्टिव रहना आसान नहीं होता, बट शी हैज रिटेन दैट क्वालिटी। और मुझे ऑफ सेट भी ऑन सेट भी सीन्स करते हुए भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे लगा नहीं जैसे मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई थिंक वो एक बॉन्डिंग हो गई थी इससे पहले, तो उनके साथ आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड कि आई कुड शेयर द फ्रेम विद हर। हाँ बोलिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डिंपल जी के साथ काम? बोली रही नहीं, डिंपल जी के साथ एक्चुअली मैंने सबसे पहला अपना जो सीन शूट किया था वो डिंपल जी के साथ ही शूट किया था, और मैं वैसे ही काफी नर्वस थी बिकॉज आई हैड टू, इट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट, और पर उन्होंने मेरे लिए शूटिंग करना इतना आसान बना दिया दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माय फर्स्ट डे ऑफ शूट वाज विद डिंपल मैम, बिकॉज यू नो शी सेट्स द बेंचमार्क फॉर यू, और वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, बहुत ज्यादा, शी इज वेरी केयरिंग, शी केयर्स अबाउट the co-actor she's working with, and she's very giving, she's extremely secure, unhone aur wo dikhta bhi hai kyunki wo she has such a huge body of work and such she comes from a lot of experience, to unhe mujhe lagta hai ki somewhere mentally she knows that a younger actor needs that much of caring for, or to they have to be slightly more sensitively handled, and I think she's extremely mindful about it, aur unhone na ki sirf mere liye, I can say it for everybody, unhone sabke liye ye journey bahut zyada smooth bana di. aur Ashish ji aapke liye kya experience tha unke sath kaam karne ka? sir main kafi bar aksar usko words mein express karne ki koshish karta hu because itna beautiful experience raha, matlab ha bataur actor un ek dimple एक मैम से जो मॉम का सफर था ना वो तय करना बहुत जरूरी था कि कैसे उनको डिंपल मैम को हम कैसे मॉम बुला पाएंगे, और जब शुरुआत में उनसे पहली बार मिले थे तो ऑफकोर्स आप बहुत ज्यादा इंटीमिडेटेड थे क्योंकि बहुत ही आपने उन्हें हमेशा बड़े पर्दे पे देखा और सपना रह जाता है काफी लोगों का कि डिंपल कपाड़िया को एक बार हम देख लें दूर से, तो जब उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला था सो बहुत ही नर्वस था, बहुत ही स्केर्ड था, लेकिन वो इतनी ज्यादा इवॉल्व एक्ट्रेस हैं और इतनी इवॉल्व ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि बेटा मुझे सीन में मदद कर देगा जरा, मैं कहीं फंस रही और जैसे ही उन्होंने ये बोला और उनको कोई जरूरत नहीं, कोई कहीं नहीं फंस रही थी, वो उन्होंने बस ये इसलिए बोला ताकि मैं एकदम ईज पे आ जाऊं और मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ला पाऊं, उनको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सीधा अपना सीन करके आगे निकल जाती, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे बोला बेटा मुझे यहाँ पे फंस रही थोड़ी हेल्प कर देगा, उस दिन वो मेरे लिए इतनी ज्यादा, उस दिन वो मेरी मॉम हो गई, जैसे एक अक्सर माँ कहती है कि बेटा इसमें मदद कर दे, स्मार्टफोन कैसे यूज करते हैं बेटा, वो कैसे करते हैं, जो भी होता है, किसी क्लीशे में नहीं जाना चाहूंगा बट ऐसा अक्सर जैसा होता है। सो उसके बाद सास बहू फिल्म के बाद आई वाज लकी टू कोलैबोरेट विद हर इन अनदर प्रोजेक्ट राइट नाउ, एंड आई इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आई हैव, लाइक ग्रेटफुल। आदित्य जी आपके साथ क्या सीन था, मतलब कि कैसे काम करने का एक्सपीरियंस था? उदित उदित कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, जैसे कि आशीष ने बोला कि वो इट्स ओके, जैसे कि वो बहुत इंक्लूसिव है और बहुत ईज पे रखती है सबको, और सेम मेरे साथ भी हुआ था, उन्होंने सीन
डायलेक्ट को लेके वो पहले मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कैसे तू कैसे बोल रहा है, अपना डायलेक्ट तूने क्या रखा है. शी वॉज डिस्कसिंग दैट. फिर सीन्स में भी वो डिस्कस करती थी कैसा जा रहा है सीन. तो मैं वही सोचता, मैंने उनको बताया मुझे लगता है मैम थोड़ा ये होना चाहिए. तो उन्होंने तो बोला पहले क्यों नहीं बताया. तो मैंने बोला मैम आप पल का पहाड़िया, आपको कौन बोलेगा कुछ मैं कौन. तो लेकिन वो उनके साथ काम करने का वो ईज है. और आज भी वो पैशन है, मतलब सीखने का, करने का, मतलब शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. और उसके अलावा भी बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, बहुत प्यार, बहुत केयर करती हैं सबकी. तो मेरा भी आई शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग. आप जामताड़ा में भी काम कर चुके हैं सर, तो जामताड़ा से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, और मतलब कि कैसे देखते हैं इस फिल्म को आप, कितनी अलग जर्नी है आपके लिए ये फिल्म के लिए? बहुत अलग है जामताड़ा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आई बीन ब्लेस्ड विद वर्किंग विद ग्रेट डायरेक्टर्स. मतलब जो बहुत ही, जैसे जामताड़ा में भी हमारे डायरेक्टर जो थे सोम सर, वो भी बहुत हम लोग को बार बार करवाते रहते. थिएटर का एक्सपीरियंस लगता था हमको कि एक बार बार सीन्स पढ़ना और डिस्कशंस करना और अब चेंज कर देना, इनफैक्ट अपने हिसाब से करना, बहुत कोलैबोरेटिव था. इसमें भी मुझे वो सेम फीलिंग आई होमी के साथ. बार 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 इतनी बार आप करते हो कि ऑर्गेनिकली वो आपके अंदर चीजें खुद ही बैठने लग जाती हैं, तो फिर कुछ मजेदार निकल के आता है. तो जर्नी हमें फिर क्रैश कोर्स में विजय सर का बहुत ऑपोजिट है. वो उनको तुरंत चाहिए, वो रिहर्सल को ओके कर देते हैं. वो उस तरीके के डायरेक्टर है. तो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरा जितने भी मैंने काम किया उसके बाद. स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी एक कार्टेल रन करने की है जो औरतें चला रही हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस में औरतें घुसती हैं तो उनको मतलब कि हर चीज में मतलब कि वो ज्यादा ज्यादा अच्छे से संभाल सकती हैं हर चीज, आपको लगता है ऐसा? आप दोनों मेल एक्टर से जानना चाहूंगा मैं कि मतलब कि आपको लगता है कहीं ना कहीं जो भी औरतें अगर कोई चीज में घुस जाएं तो मतलब कि उनको लगता है कि मतलब कि वो बिजनेस या वो चीजें वो बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, आप आपका क्या एक्सपीरियंस? सर मेरे एक्सपीरियंस में, ये मेरा एक्सपीरियंस है निजी ऑफ कोर्स, कि ये शायद एक जेंडर डिपेंडेंट चीज नहीं है. ये आई डोंट हाउ टू पुट इट, बट ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट दैट देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. देयर इज ट्रेमेंडस इनइक्वालिटी व्हिच हैज ऑलवेज बीन देयर, एंड women are as competent if not more than men. It's all about given a chance to express, given an opportunity and given a chance to be, जो एक बेसिक हक है, जो खाली पूरी दुनिया में इतना बड़ी सैड बात है कि इसके लिए लड़ना पड़ता है. बहुत उदित जी आपका क्या कहना है इस पर? मैं एग्री करता हूं जो कि आशीष ने बोला कि जेंडर डिपेंडेंट नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ वही फेमिनिन, सब में फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड्स होती हैं. तो किसी एक को ये बोलना कि वो, मतलब एनी वन कैन बी एनी थिंग आई फील, तो वो मुझे नहीं लगता वो स्टीरियोटाइप करना सही रहेगा. बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि उस मामले में जब औरतें किसी चीज को हैंडल करती हैं, मुझे लगता है कि अगर पर्सनली मैंने जो वुमेन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मतलब उनके साथ एक अप्रोच बहुत सिंपल रहती है, बहुत एक ईज कहीं ना कहीं वो रहती है, वो जेंटलनेस आती है कहीं ना कहीं. कहने का मतलब ये नहीं कि मर्द जेंटल नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक अपना जो स्वभाव होता है हर नारी का, वो ऑफ कोर्स वो एक बेहतर तरीके से उसमें दिखता, नो डाउट. दोनों में मुझे लगता है क्वालिटीज हैं स्पेशल है जो लेके आते हैं. अंगिरा जी आप क्या कहेंगी इसके बारे में, मतलब कि जो आपको लगता है कि फीमेल ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है चीजें कंपेयर टू मेल? मुझे लगता है गिवन एन अपॉर्चुनिटी सबका अपना अपना तरीका होता है टू हैंडल थिंग्स एंड टू रन बिजनेसेस और टू यू नो, मुझे ये लगता है कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वुमेन दे कैन रन द वर्ल्ड. इट्स जस्ट अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड इट हैज टू बी एट सम लेवल एंड आई होप समडे एक दिन ऐसा आए जब हमें ये डिस्कस ना करना पड़े, जहाँ पे आप औरतों को लाइक यू नो ऐसा एक टाइम आए जहाँ पे इट्स एन इक्वल सिस्टम, इक्वल फॉर मेन एंड फॉर वुमेन. दैट आई आई वुड हैव टू ओनली से दैट देयर इज नो गुड बैड.
बेटर नॉट बेटर आई डोंट थिंक। ईशा जी आपका क्या ओपिनियन है इसमें? जी मैंने एम्पावरमेंट की तो बातें नहीं होती है हमेशा, पता नहीं है ये विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है ना, तो इसी में ही आप देख लीजिए है ना, हम लोग नहीं यूजली जाकर मर्दों को ये पूछती हैं क्यों, बट इट्स वेरी सैड बट इट इज अ रियलिटी कि औरतों को ये कॉन्स्टेंटली बिलीव कराया जा रहा है दैट यू आर लेसर। ये डेफिनेटली ये सोसाइटी में नजर आता है, घरों में दिखता है एट लार्ज, एंड इट्स वेरी सैड दैट वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। एंड इतने इतने सालों के सिनेमा में अब कुछ औरतों के लिए, पहले भी लिखा गया है, मदर इंडिया थी, ऐसी फिल्में आई हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आई हैं, बट बहुत कम आती हैं। जो आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, और हर तरीके की स्टोरी आपके घर में आप औरतों के साथ ही रहते हैं ना, मतलब आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी बेटियां हो, तो ऐसे कैसे स्टोरीज लिख दी जाती हैं जहाँ पे औरतें इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। आई थिंक वी हैव अ बिग, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट डेफिनेटली इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज जिस दिन आई थिंक ये सवाल उठना बंद हो जाएगा मेरे लिए, आई थिंक वो दिन मुझे समझ आ जाएगा कि ओके द यू नो एट लार्ज वी आर बिकमिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी, डेफिनेटली देयर हैज टू बी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे, इसमें कोई कोई हम कोई मर्दों से कम मेहनत नहीं कर रहे है ना काम करने में, हम भी उतनी ही कर रहे हैं और बल्कि ज्यादा भी कर रहे होंगे, कई औरतें वो भी कर रही होंगी, तो ऐसा नहीं है। And I, having said that, I don't think the men are less, you know, ki, I don't know, ye comparison jo hai na constantly, ye mujhe bahut ajeeb lagta hai, ki bhagwan ne sabko banaya hai, ye kis tarike ka bhedbhav hai, to mujhe ye cheez hamesha khatakti hai aur ajeeb lagti hai bahut zyada. Merit ke basis mein aur competition. Absolutely, har kisi mein capability hai na, aap जेंडर देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कितना कैपेबल है, ये तो बहुत जेनेरिक सा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम में नहीं वो कर सकते, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ आउटकम डिपेंड करेगा कि बंदे में क्या बात है, वो क्या लेके आता है। टेबल ओटीटी के बारे में बात की जाए तो मतलब ओटीटी में जिस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग हो रही है, लोगों को काफी पसंद आ रही है, तो आपको क्या लगता है एक अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और जिनको जो है काम कहीं ना कहीं मूवीज में मिलना बंद हो गया था, कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको, या यंग एक्टर्स की बात की जाए तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है ओटीटी के प्लेटफॉर्म के जरिए, उसे तो आपसे जानना चाहेंगे पहले। जी जी बिल्कुल जरूर मिली है, ओटीटी हैज बीन अ बून फॉर ऑल ऑफ अस, आई फील बहुत ग्रेटफुल है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गम बढ़ गया है बताई जा रही है, और साथ आप डिपेंडेंट नहीं है कि कौन पिक्चर चला पाएगा और कितना पैसा आएगा उससे, आप अच्छे एक्टरों को लेके उनके टैलेंट के बेसिस पे उनको कास्ट कर सकते हैं और सब लोग उनको फिर उनके उसी से जज करेंगे और पसंद भी करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज है नो डाउट। अंगिरा जी आपसे जानना चाहेंगे ओटीटी के बारे में, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट और जो यंग एक्टर्स हैं उनके लिए एक बूंद सा हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म? ऑफ कोर्स मुझे लगता है ना ही सिर्फ एक्टर्स, मुझे लगता है कि टेक्नीशियंस, राइटर्स, क्रिएटर्स सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज, एक काफी इट्स लाइक अ बून फॉर एवरीबडी, क्योंकि सब अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, दे डोंट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पीपल ओनली कास्टिंग फॉर बॉक्स ऑफिस नंबर्स। मुझे लगता है कि एक तरीके का फ्रीइंग एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया है ओटीटी ने, फियरलेस एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया है ओटीटी ने, लोग बना सकते हैं द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दे वॉन्ट टू मेक, दे कैन मेक, बिकॉज it is an expression, like you can express the way you want to express, and people are audience ke liye bhi bahut achhi baat hogi kyunki they can choose what they want to watch and who they want to watch. Kahin na kahin ek debate ja raha hai jo kanta ja raha hai us pe kuch limitation honi chahiye ya kuch jo bhi बैड वर्ड यूज किए जा रहे हैं उसमें या वल्गर वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो उसमें भी लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि फैमिली के साथ बैठ के देख सकें ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ईशा जी आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक कुछ भी अगर आप सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ मतलब अगर आप
बस डालने के लिए ये सब चीजें डाल रहे हैं, वायलेंस डाल रहे हैं या यू नो सेक्स डाल रहे हैं या जो भी सेक्सुअलिटी जिस ढंग से एक्सप्लोर कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, सिर्फ डालने के लिए अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज आप खामखा मतलब चीजें मत दिखाएंगे ना, अगर जरूरत है तो डालिए. एंड हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स लोगों को फिर ऑप्शन भी देना चाहिए कि वो आप उनको बताइए कि किस तरीके का कंटेंट है, फिर वो डिसाइड करें कि उन्हें देखना है कि नहीं देखना है. ये ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी देखें कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ना. तो आप फालतू चीजें ना चलाएं तो फिर ऐसी चीजें बनेंगी भी नहीं. सो इट्स अ सर्कल. सो दोनों तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडियंस भी क्या कंज्यूम कर रहा है, मेकर्स भी क्या बना रहे हैं. ऑल्सो OTT पे ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज तो वो बढ़ी हैं, एंड बट आई स्टिल फील कि यू नो अ लॉट ऑफ कास्टिंग इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड सोशल मीडिया के उस सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है. मेरे हिसाब से एक्टर अगेन मेरिट पे काम मिलना चाहिए सबको, एंड ना कि आपके कितने मिलियन फॉलोअर्स किस प्लेटफॉर्म पर हैं. वो आई थिंक OTT पे डेफिनेटली उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेनी चाहिए ऐसी चीजों की भी.